हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो होने वाला है 2023 का मेरा पहला वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सैमसंग और एक्सिस बैंक ने मिलकर इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। और एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दो अलग अलग वेरिएंट में आता है। तो एक कार्ड है सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड है सैमसंग एक्सिस बैंक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड। तो पहले तो हम लोग जानेंगे इन कार्ड्स के ऊपर लगने वाले फीस के बारे में। तो अगर आप सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो और कार्ड आपका अप्रूव हो जाता है तो इसके लिए आपको ज्वाइनिंग फीस के तौर पर 500 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा इस कार्ड को अगर नेक्स्ट साल से आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको एनुअल चार्जेस भी लगेंगे 500 रुपीज़ प्लस GST। और अगर आप एक साल के अंदर 2 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो इस कार्ड से तो आपका जो है एनुअल फीस वेवर किया जाएगा। और अगर आप सैमसंग एक्सिस बैंक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको इसके लिए ज्वाइनिंग फीस के तौर पर 5000 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपको एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे जो कि है 5000 प्लस GST। बट अगर आप एक साल के अंदर 7 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो इस कार्ड से तो आपका एनुअल फीस या फिर चार्जेस जो है उसको वेवर किया जाएगा। और इन क्रेडिट कार्ड के साथ आपको कुछ वेलकम बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास एक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है तो आपको सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेशन के विद इन 30 डेज के अंदर 3 सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको 2500 रुपीज़ के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू है 500 रुपीज़। और अगर आपके पास एक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड है तो आपके कार्ड एक्टिवेशन के विद इन 30 डेज के अंदर आपको 3 सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करने हैं तो उसके बाद आपको 30,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू निकल के आती है 6,000 रुपीज़। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले कुछ की बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एक क्रेडिट कार्ड सैमसंग और एक्सिस ने मिलकर लॉन्च किया है, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो सैमसंग के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो भी आप परचेस करोगे इस कार्ड का यूज़ करके उसके ऊपर आपको 10% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास एक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है और अगर आप सैमसंग के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज परचेस करते हो तो आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 2500 का कैशबैक अवेल कर सकते हो और एनुअली 10,000 रुपीज़ का कैशबैक अवेल कर सकते हो। और अगर आपके पास एक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड है तो आप 1 महीने के अंदर 5000 रुपीज़ का कैशबैक अवेल कर सकते हो और एनुअली 20,000 रुपीज़ का कैशबैक अवेल कर सकते हो। और जो 10% कैशबैक आपको मिलेगा सैमसंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेस करने पे उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसका टाइप मैटर नहीं करता क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स में कैसे होता है अगर आपका ट्रांजेक्शन EMI ट्रांजेक्शन है तो उसके ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलता। बट इस कार्ड के केस में आपका ट्रांजेक्शन EMI हो या फिर नॉन EMI आपको 10% कैशबैक ज़रूर मिलेगा। और इन कार्ड्स के अंदर आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट को कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली हम लोग जब भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कंडीशन मिनिमम 5000 का शॉपिंग करना है या फिर मिनिमम 10,000 का शॉपिंग करना है तभी आपको कैशबैक मिलेगा। बट इस कार्ड्स के अंदर वैसा कोई भी कंडीशन नहीं है। आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ कोई भी ट्रांजेक्शन करो आपको 10% के हिसाब से कैशबैक ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसके अंदर भी कोई कंडीशन नहीं है फिर कैपिंग नहीं है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी खरीदी कर सकते हो या फिर सिंगल प्रोडक्ट भी खरीदी कर सकते हो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। और जो भी 10% कैशबैक आपके प्रोडक्ट परचेस या फिर सर्विस परचेस के हिसाब से बनेगा वो विद इन 60 डेज के अंदर आपके स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा तो आपको उतना दिन वेट करना पड़ेगा। और 10% कैशबैक अवेल करने के लिए लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो भी आप शॉपिंग करोगे इस कार्ड का यूज़ करके वो स्पेसिफाइड चैनल से ही आपको करना होगा। तो सैमसंग ने कुछ स्पेसिफाइड चैनल्स मेंशन किए हुए हैं उनका लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको आपको रेफ़र कर लेना है। और जब भी आपको सैमसंग का शॉपिंग करना है तो आपको इस स्पेसिफाइड चैनल से ही शॉपिंग करना है तभी आपको 10% कैशबैक इशू होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके सैमसंग प्रोडक्ट्स और सैमसंग सर्विसेज को छोड़ के अदर कुछ स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके पास सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है और आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास एक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड है और आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू निकल के आता है 1 रुपीज़। और अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके तो भी आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास एक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड है और आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 15 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब इंटरनेशनल के केस में आपको इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाता है।
तो अभी हम लोग बात करेंगे अगर इन क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके आप सिलेक्ट पार्टनर्स के ऊपर शॉपिंग करते हो या स्पेंड करते हो तो उसके लिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके पास एक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है और आप सिलेक्ट पार्टनर्स के ऊपर स्पेंड करते हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पे। और अगर आपके पास एक इन्फाइनाइट क्रेडिट कार्ड है और आप सिलेक्ट पार्टनर्स के ऊपर स्पेंड करते हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे 15x रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पे। तो सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के केस में आपको 2 रुपीज़ का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है और इन्फाइनाइट क्रेडिट कार्ड के केस में आपको 3 रुपीज़ का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है। और इनके जो करंटली जो प्रेफर्ड पार्टनर्स है या फिर सिलेक्ट पार्टनर्स है वो है बिग बास्केट, अर्बन कंपनी, टाटा 1MG, महिंद्रा, जोमैटो। तो सैमसंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर मिलने वाले कैशबैक के अलावा जो आपको रिवॉर्ड एज पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको 100 रुपीज़ या फिर उसके मल्टीपल के स्पेंड के ऊपर मिलते हैं और 5X रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपी। और जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हो उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स, तो मेक श्योर कीजिए 3 ईयर्स के पहले आप आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवा लो। तो इन कार्ड्स के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो अगर आपके पास एक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं जिसको आप एक क्वार्टर के अंदर एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास इन्फाइनाइट क्रेडिट कार्ड है तो आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, तो आपको 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एक क्वार्टर के अंदर के हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। और इन्फाइनाइट क्रेडिट कार्ड के केस में आपको 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं जिसके लिए आपको प्रायोरिटी पास की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप कार्ड एक्टिवेशन के बाद फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करोगे तो आपका जो प्रायोरिटी पास है आपको ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाएगा और विदिन 15 डेज आपके पास वो फिजिकल फॉर्म में भी पहुंच जाएगा। और इन दोनों क्रेडिट कार्ड के केस में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है। और दोनों क्रेडिट कार्ड के केस में आपको एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर मैक्सिमम 500 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज वेवर क्लेम कर सकते हो। और सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन है वो 400 से लेकर 4000 तक का कर सकते हो। और इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड के केस में आप जो ट्रांजेक्शन है 400 रुपीज़ से लेकर 5000 रुपीज़ तक का कर सकते हो। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स जो है वो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स है, तो इसके लिए आपको इसके अंदर डाइनिंग डिलाइट का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। तो एक्सिस बैंक के जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, मोर देन 4000 पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, तो उसके अंदर अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको 15% का जो है डिस्काउंट मिल सकता है। और ये जो डिस्काउंट जो है आप मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हो और 1 महीने के अंदर आप 2 बार कर सकते हो। बट इसके लिए आपको जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो 1500 रुपीज़ तक का होना चाहिए। और इन कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आपका एज जो है वो 18 से लेकर 70 के बीच में होना चाहिए और एक आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप गाइस सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और सैमसंग एक्सिस बैंक इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।